तो यार आप लोग मेरे से काफ़ी बार पूछते हैं कि मैं कौन से कैमरा यूज़ करता हूँ या फिर ब्लॉगिंग के लिए सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है, GoPro अच्छा है कि DSLR अच्छा है। सो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको GoPro और DSLR के फ़ायदे और नुकसान, प्लस बताऊँगा अपनी पूरी किट के बारे में और जितने भी कैमराज हैं मेरे पास उनके बारे में, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा कैमरा आपको लेना है अगर आप शुरू कर रहे हैं फोटोग्राफी, मोटो ब्लॉगिंग या फिर जस्ट नॉर्मल ब्लॉगिंग लाइक मी। सो स्टे ट्यून्ड। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है देवांग और इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं ट्रैवल ब्लॉग्स। ऑलरेडी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, श्रीलंका, रशिया, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, स्पिति और निकोबार आइलैंड से ब्लॉग्स हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मे वॉन्ट टू गो एंड वॉच दोज ब्लॉग्स एज वेल। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि GoPro कैसा है व्लॉगिंग के लिए। तो मेरे पास जो GoPro है वो है GoPro Hero 5। मैंने 2-3 साल पहले लिया था, लेकिन आजकल तो 7 और 8 तक आ चुका है GoPro। कॉस्ट जो है 7 की इट्स अराउंड 27-28 हज़ार और जो GoPro Hero 8 है वो अराउंड 35-36 के अराउंड मिलता है। लेकिन GoPro Hero 8 में उन्होंने एक नया मॉड दे दिया है, नया मॉड्यूल दे दिया है, जिसमें कि माइक और एक्स्ट्रा बैटरी और काफ़ी सारी फीचर्स हैं व्लॉगिंग के लिए स्पेशली। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल GoPro की, विदाउट दैट GoPro जो उन्होंने व्लॉग मोड दिया है। तो GoPro के साथ आपको ये 3-way माउंट मिल जाता है। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन आप अमेजोन से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, 1000 रुपये के अराउंड मिल जाता है आपको। तो इस लाइक ये 3-way माउंट रहता है, 3 जगह से खुलता है और लॉक लग जाते हैं उनको। तो लाइक ऐसे आप व्लॉग करोगे GoPro से, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है। थोड़ा दूर है कैमरा आपके फेस से तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिल जाता है। अब बात करते हैं ऑडियो की। इसका जो इनबिल्ट ऑडियो वो इतना अच्छा नहीं है, आपको माइक लगाना पड़ेगा। अब इसमें फ़ायदा ये है 3-way माउंट का कि आप माइक को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं किस तरह से, जुगाड़ करके, टेप से लपेट वपेट के, ठीक है। तो मैंने मेरे रशिया और श्रीलंका के ब्लॉग्स में GoPro से ही ब्लॉगिंग करी थी। अब माइक मेरे पास है रोड वीडियो माइक्रो, अराउंड 5000 का आता है ये। इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया था कुछ जुगाड़ करके, ऐसे ऐसे करके, और इसकी तार लगती थी GoPro में। अब GoPro में एक ये डिसएडवांटेज है कि इसमें सीधी ये वाली जो जैक होता है वो नहीं लगता है, 3.5mm वाला। तो इसके लिए आपको एक अलग से अडाप्टर लेना पड़ता है, जो कि GoPro की पोर्ट सी में लगता है और नीचे इसके यू कैन पुट द जो माइक वाला अडाप्टर है, ठीक है। तो ये अलग से खर्चा हो गया 5000 का, एंड देन इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे रहेगा आपका व्लॉगिंग सेटअप कुछ, ठीक है। इट्स वेरी लाइट वेट, तो ट्रैवलिंग के मामले में बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप कहीं भी, ऐसे आप बैग आपने टांगे हुए हैं, दो आगे पीछे बैग टांगे हुए हैं, तो इसको आप कहीं भी टांग सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इट्स वेरी लाइट वेट, इट्स पोर्टेबल। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आपको उतनी क्वालिटी फुटेज नहीं मिलेगा। As you can see in my Russia vlogs, in my Sri Lanka vlogs, quality उतनी अच्छी नहीं है, but then you can always keep it handy। जैसे आप travel कर रहे हो और आपको कुछ ऐसे दिख गया, आपका camera आपके bag में पड़ा है, तो आपको ऐसे shoot करना है तो you can shoot it। GoPro का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि it's very small in size। तो अगर आपको एक 3-way mount नहीं चाहिए तो जो camera है वो इतना सा है। अब इस camera को आप you can put it anywhere, helmet पर लगाना है आपको, अपनी चेस्ट पे लगाना है या सर पे लगाना है या साइकिल में कहीं लगाना है नीचे, तो आप जितने भी क्रिएटिव शॉट्स होते हैं वो इससे ले सकते हो। तो जो मोटो ब्लॉगर्स होते हैं जिनको बाइक चलाते चलाते बात करनी होती है, उनके लिए ये बेस्ट कैमरा है कि हेलमेट पे लगाया, इसमें जो भी लगाना है अटैचमेंट वो लगाए और माइक लगा लिया अंदर और ये हेलमेट के बाहर, एंड देन बस चलते रहिए। प्लस ये वाटरप्रूफ है, तो कुछ भी आंधी तूफान बारिश आती है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसे बहुत बार गिराया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसे, एंड इट्स वाटरप्रूफ एज वेल। आपको अगर डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, स्नॉकलिंग करनी है, वाटरफॉल में कुछ और शॉट लेना है, तो दिस इज़ द गो टू कैमरा। तो इट्स अ वेरी वर्सटाइल कैमरा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार कैमरा है, लेकिन एज अ प्राइमरी व्लॉग कैमरा फॉर नॉर्मल व्लॉगर्स आई विल नॉट रिकमेंड दिस। ये एज अ सेकेंडरी कैमरा आप यूज़ करें। अगर आप मोटो ब्लॉगर हैं तो स्टिक टू दिस वन ओनली, सही बुरा ब्लॉग करें, लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं मेरे जैसे, तो ट्रीट दिस एज अ सेकेंडरी कैमरा। कुछ आपको
शॉट्स लेने हैं, टूटी के नीचे पानी कुछ ऐसा शॉट लेना है या वाटरफॉल में शॉट लेना है, तो ऐसे कुछ शॉट्स के लिए इसे यूज़ करिए। अगर फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले रहे हैं तो गोप्रो बिल्कुल कैमरा नहीं है आपके लिए, बिकॉज एक तो ये बहुत ही वाइड लेंस है, इसमें आप ठीक है आपका जो फील्ड ऑफ व्यू यू कैन पुट इट लाइक लीनियर नॉर्मल और वाइड एंड सुपर वाइड, बट इसमें वो ब्लर वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ इसे फ्लैट दिखेगा। लो लाइट में बहुत बेकार, वीडियोस बहुत बेकार हैं, फोटोज भी बहुत बेकार हैं। सो द वर्डिक्ट इज कि मोटो ब्लॉगर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड कैमरा, फॉर नॉर्मल ब्लॉगर्स यू कैन यूज इट एज अ सेकेंडरी कैमरा, फॉर फोटोग्राफर्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कैमरा के बारे में जो कि है मेरा DSLR जिसके अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो DSLR में फ़ायदा ये है कि यू कैन पुट ऑन डिफरेंट लेंस। तो मेरे पास 3 लेंस हैं, एक तो लगा हुआ है दैट्स अ प्राइम लेंस, द फोकल लेंस 35mm। इसके बाद मेरे पास है व्लॉगिंग के लिए 10-20mm वाला एक और लेंस, और एक है जूम लेंस। तो डिपेंड्स ऑन क्या पर क्या यूज़ है, आप कैसे कैसे शॉट्स लेने हैं उस हिसाब से अपने लेंस ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, फैमिली आउटिंग्स हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, सिर्फ नॉर्मल फोटोज़ खींचनी है, तो एक प्राइम लेंस लीजिए। 35mm इज़ वेरी गुड, 55mm इज सुपर गुड। तो उसमें क्या है कि जो पोर्ट्रेट्स हैं बहुत ही सुंदर आते हैं, पीछे अच्छा सा ब्लर इफेक्ट आता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो काफ़ी फोकस में रहेगा और पीछे पूरा ब्लर रहेगा। तो फोटोग्राफर्स के लिए DSLR लीजिए और साथ में एक प्राइम लेंस ले लीजिए। अब आते हैं व्लॉगिंग पे। अब व्लॉगिंग में जो ये मैंने लेंस लगा रखा है बिकॉज इट्स स्टिल, तो थोड़ा ठीक है ये काम क्योंकि हिल नहीं रहा है, तो इस कैमरा में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेंस में भी कुछ भी नहीं है स्टेबलाइजेशन। लेकिन फिर मैंने ये लेंस लिया 10-20mm, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये बहुत ही वाइड लेंस है, तो जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू बन जाता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो 10-20mm आता है अराउंड 17-18,000 के आसपास, तो इसमें जो है मेरा फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी वाइड दिखता है कि मैं तो दिख रहा हूँ लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है सब कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें VC है, वाइब्रेशन कंपनसेशन या जो भी बोलते हैं उसको, VR वाइब्रेशन रेजिस्टेंस। तो उससे क्या होता है कि जब मैं चल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें शेक नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो आपको दूसरे शॉट्स लेने मूविंग शॉट्स वो इससे लोगे इतने अच्छे नहीं आएंगे, उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं है, उतनी स्मूथनेस तो आपको एक गिम्बल से ही मिलेगी, बट फॉर व्लॉग इट्स ओके। ओके, जो नेक्स्ट फीचर है DSLR का विच पुट्स इट अहेड ऑफ GoPro इज द फ्लिप स्क्रीन। अब ऑब्वियसली सब DSLR में नहीं होती है फ्लिप स्क्रीन, लेकिन जब आप ले रहे हो एक नया कैमरा तो मेक श्योर उसमें फ्लिप स्क्रीन हो। फ्लिप स्क्रीन का फायदा ये है कि जब आप व्लॉग कर रहे हो तो आप यू कैन सी योर सेल्फ कि क्या आ रहा है व्लॉग के अंदर, पीछे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, और यू कैन ऑल्सो पॉइंट इट, जैसे वो दिख रहे हैं आप पीछे वो चर्च है, वो बिल्डिंग है, जो भी। तो फ्लिप स्क्रीन इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल इन अ कैमरा इफ यू आर यूजिंग इट फॉर व्लॉगिंग। फोटोग्राफी में इतना यूज़ नहीं है, बट स्टिल अगर थोड़ी सी मूव होती है स्क्रीन तो इट्स बेटर। जैसे आपको ऊपर से शॉट लेना है तो आप स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हो, नीचे से लेना है तो भी फ्लिप कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग के लिए तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल फीचर। सो अगर आप DSLR नया ले रहे हो ब्लॉगिंग के लिए तो ध्यान रखो उसमें एक फ्लिप स्क्रीन हो, और लेंस आपको लेना है वो वाला जिसमें कि VR हो। आजकल कैमरा में भी IBS आता है, जैसे सोनी कैमरा में IBS आता है, प्लस अभी फूजी फिल्म का XT4 आया है उसमें भी IBS है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो मेरे पास है वो है Nikon D5300, ये बॉडी मिलती है अकेली 30,000 की, और उसके ऊपर अगर ये वाला लेंस लेंगे आप 10-20mm तो ऊपर देगा 15-16,000 का, तो 45-46,000 में यू विल गेट अ लेंस प्लस बॉडी काइंड ऑफ थिंग। GoPro आपको पड़ेगा 30,000 का, तो ये पड़ेगा 45,000 का, लेकिन क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। तो आई विल रिकमेंड गो फॉर अ बेसिक DSLR विद अ फ्लिप स्क्रीन विद अ VR लेंस। इस कैमरा के अलावा कैनन M50, M200, फूजी फिल्म XT4, ये सब कैमराज हैं जिनमें की फ्लिप स्क्रीन आती है। जो फूजी फिल्म XT4 है दैट्स अ रियली एक्सपेंसिव कैमरा, 1.5 लाख तक का पड़ेगा आपको, तो अगर आपका बजट है तो प्लीज़ गो फॉर इट। इवन आई एम थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग टू दैट कैमरा, सो लेकिन अभी ये चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं दे रहा मेरे को। ये इसकी बॉडी काफ़ी स्टडी है, मैं 2-3 बार गिरा चुका हूँ इस कैमरा को, प्लस ग्रीनलैंड में -30 में भी मैं इसको यूज़ करता था बर्फ पे, सी आइस पे, इससे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को पैसे नहीं दिए Nikon ने, आई विश दिए होते, इट्स जस्ट दैट मैं इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ 3 साल से, इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। सो इसका वर्डिक्ट DSLR का ये है कि फॉर मोटो व्लॉगर्स इट कैन बी वेरी टफ टू हैंडल इट, क्योंकि साइज़ बड़ा है, आप बाइक चला रहे हो कैसे पकड़ोगे उसको, कहीं बांधना है तो बांधना मुश्किल है, वहाँ पे GoPro काफ़ी आसान है।
फोटोग्राफर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप अच्छा सा DSLR लीजिए, इसमें फ्लिप स्क्रीन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका लेंस जो आपका मेन पर्पस है, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो, वी वांट टू डू बर्ड फोटोग्राफी, थोड़ा जूम लेंस लीजिए। वी वांट टू डू व्लॉगिंग, तो VR लेंस जो कि वाइड, जिसकी फोकल लेंथ वाइड हो 10-20 इज़ वेरी गुड। व्लॉगिंग के लिए सिर्फ कैमरा और लेंस इनफ नहीं है, आपको चाहिए एक गोरिल्ला पॉड और एक माइक भी। माइक अगेन मैं ये यूज़ करता हूँ वीडियो माइक्रो, तो इसमें ये नीचे एक माउंट है, तो इट कैन ईजिली गो ऑन द टॉप ऑफ द DSLR। एंड जो ट्राईपॉड रहता है मेरा, वो है जॉबी गोरिल्ला पॉड की बहुत सारे वर्जन आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं सस्ते वाले, लेकिन अगर आपने इफ़ यू स्पेंट 40,000-45,000 ऑन योर कैमरा, और अगर आप उसको कहीं चाहते हो बांधना, तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो काफ़ी स्टर्डी हो, कोई डुप्लीकेट लेंगे तो वो टूट सकता है और साथ में कैमरा भी गिरेगा। सो गो फॉर द ओरिजिनल जॉबी गोरिल्ला पॉड्स। ये आते हैं 3 किलो वाला वेट कैटेगरी, 5 किलो वाले भी आती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो कैमरा, कौन सा कैमरा आपके पास कितना हैवी है वो उस हिसाब से अपना गोरिल्ला पॉड लीजिए। मेरे पास ये 5 किलो वाला है विद रोटेटिंग बॉल हेड, तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने इसको कहीं पर बांधा है, कैमरे को कहीं पर लगा दिया है मैंने, एंड देन आई डोंट वॉन्ट टू मूव जो ग्रिप है उसकी, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव द कैमरा, तो मैं इसको लूज़ करूँगा यहाँ से और आई कैन जस्ट मूव द कैमरा। लेकिन लो लाइट में जो क्रॉप सेंसर कैमराज होते हैं, जैसे ये वाला जो है कैमरा, वो क्रॉप सेंसर, इसका जो सेंसर है काफ़ी छोटा होता है, लाइक फुल फ्रेम कैमरा का सेंसर बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, तो लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता ये, तो इसलिए लो लाइट के लिए यू विल नीड एन LED। अगर लाइक आपको बिल्कुल अंधेरे में करना है, जैसे आपने देखा होगा माई ब्लॉग्स विद लॉरेन गॉटलिब, उन व्लॉग्स में जैसे वो स्टेज पे है, बैक स्टेज है, फिर रूम में है, तो वहाँ पे अंधेरा है काफ़ी, मेरे को वहाँ पे लाइट चाहिए प्रॉपर, तो वो करने के लिए मैंने ये एक लाइट मंगवाई थी बैंगलोर से, तो इट्स अ वेरी गुड LED, ठीक है, इसकी टाइप सी चार्जिंग होती है, USB चार्जिंग है, तो यू कैन पुट इट ऑन योर कैमरा। लेकिन इशू ये होता है कि जो कैमरा के ऊपर माउंट एक ही होता है, अब बस होगी दो चीज़ें, एक तो लाइट हो गई, माइक आ गया, और एक माइक हो गया, तो ये दोनों चीज़ों को लगाने के लिए देन इज दिस थिंग व्हिच कम्स, ठीक है, तो आपकी लाइट गई इधर और माइक आ गया इधर, ठीक है, अब जो ये चीज़ें लग जाएगी कैमरा के ऊपर, तो आपके फेस की लाइट भी आ रही है पूरी और बात भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के जो लिंक्स हैं मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड बाय दीज। ओके, ये तो हो गए मेरे मेन कैमरा, अब आते हैं मेरे सेकेंडरी कैमराज पे, जिनमें सबसे पहले आता है मेरा ड्रोन। तो मैंने ये ड्रोन लिया था आज से 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, ये है DJI Mavic Pro। आजकल तो DJI Mavic 2 आ चुका है, फिर Mavic Air 2 आ चुका है, Mavic Mini आ चुका है, तो बहुत सारे नए ड्रोन्स आ चुके हैं मार्केट में। ड्रोन का सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही है कि लाइक आपकी वीडियोस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं, कि जैसे आप नॉर्मल आप कुछ व्लॉग कर रहे हो और उसमें आप डाल दो एक ड्रोन शॉट, तो अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जो कि लोग पसंद करते हैं काफ़ी, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू कांट सी नॉर्मली, राइट, तो जो चीज़ ऊपर से दिख रही है वो बंदे को अलग लगती है, दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स मोर आईबॉल्स। ड्रोन उड़ाना इज़ वेरी ईजी, ड्रोन कैसे कैरी करते हैं प्लेन्स में, प्लस लाइसेंस और परमिशन और वो सब के लिए हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे कभी। इस वीडियो में बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैमरा के बारे में, जो कि मेरे सारे कैमराज में से सिर्फ इकलौता कैमरा है जो मुझे फ्री मिला था, इट्स Insta360। तो फॉर द गुड पीपल एट दिस कंपनी कॉल्ड Insta360, दे सेंट मी दिस कैमरा। ये कैमरा बहुत ही वर्सेटाइल है, इसके साथ आपको ये मिलता है, तो ये खुल के काफ़ी बड़ा हो जाता है जी, तो ये इतना बड़ा हो जाता है, एंड देन यू कैन पुट योर कैमरा हियर। तो इतना स्मार्ट है ये कैमरा कि ये स्टिक को गायब कर देगा, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि ये स्टिक थी कहीं वीडियो में। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मैं जब अभी स्पीति गया था, लंच कर गया था, तो मैं ऐसे जीप से बाहर अपनी ये निकाला कैमरा और शूट कर लिया, एंड पीपल थिंक कि भाई ये कोई ड्रोन शॉट है, इट्स नॉट अ ड्रोन शॉट एक्चुअली। प्लस इससे आप बहुत सारे और क्रिएटिव शॉट ले सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाई थी एक वीडियो लॉकडाउन लाइफ मारियो स्टाइल, तो उसमें फ़ायदा, सबसे अच्छा फ़ायदा इसका यही है कि आपकी स्टिक दिखती नहीं है, यू कैन मूव द कैमरा और दिखेगा नहीं कि कैमरा कहाँ से है, किससे पकड़ा हुआ है कैमरा, कौन शूट कर रहा है, कैसे शूट कर रहा है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि इसकी जो एडिटिंग होती है थोड़ी सी ज़्यादा इट्स कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज ये जो फाइल्स बनाता है वो सिंपल MP4 MOV फाइल्स नहीं होती, वो होती हैं INSV ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है इनका अलग से। तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर आता है मैक के लिए भी या फिर एक ऐप आती है इनकी स्पेशली, उसमें एडिट कर सकते हो, सिर्फ उनमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट करने के बाद यू कैन गेट एन MP4 या फिर MOV और फिर उसको आप अपने FCP में जिसमें भी आपको एडिटिंग करनी है उसमें आप इम्पोर्ट करिए। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है कि सीधे डायरेक्टली यू कैंट सी कि वीडियो क्या बना है क्या नहीं बना है। आप पहले वीडियो को उस ऐप में खोलते हो और फिर उसका एडिटिंग करते हो कि कौन सा फ्रेम लेना है, कैसे घुमाना है, क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो उसमें बहुत सारी लाइक कूल फीचर्स हैं, वेरी गुड थिंग टू हैव, बट नॉन व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा नहीं बना है, ये जस्ट आपको थोड़े से कूल बी रोल्स कूल शॉट लेने के लिए बना है। तो इस कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे सारे नई वीडियोज़ की। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल। अगर आपको यूजफुल लगी है तो लीव अ नाइस कॉमेंट, प्रेस लाइक बटन एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम @thepunjabi_wanted एंड डू शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज गोइंग टू बाय अ न्यू कैमरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।